अब अपने लोगों का जीवन भोगों में और गृहस्थी की आसक्ति पुष्ट करने में गया है। अब जो बचा जीवन है, अब हम इस खेल को सुलझा नहीं सकते कि हम आसक्ति हटा करके और विरक्त होकर अनुरक्ति में स्थित हो। आसक्ति हटा के विरक्त होकर अनुरक्ति, अब क्या करें? एक बात रह गई केवल, आश्रित होकर पुकारो उनको, बस हमारी बात मान लो। अब युद्ध करने का समय निकल गया, अब कितनी श्वासें रह गई कुछ पता नहीं, तो क्या करें? जितनी श्वासें रह गई, पहली बात आश्रय। हे करुणा निधान भगवान, आपकी माया से भूल करके मैंने अपना जीवन इतना व्यर्थ गंवा दिया, आज से मैं आपको अपना स्वामी, अपना जीवन धन वरण करके और एक श्वास भी खाली नहीं जाने दूंगा, आपको पुकारूंगा राधे श्याम या जो गुरुदेव ने नाम दिया, राधा 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 राधा, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अब अपने पास समय लड़ाई लड़ने का नहीं रह गया कि आसक्ति का त्याग कर वैराग्य युक्त होकर अनुराग के ये कौमार अवस्था से महापुरुषों के संग में जो है वो इस लड़ाई पर विजय प्राप्त करते हैं। अपने लोगों के लिए बड़ी सुविधा है, जैसे मुगल सराय से ट्रेन आ रही, कितने स्टेशन पार करते आई, मथुरा में खड़ी हुई। अब हमें मुगल सराय से नहीं चढ़ना है, ये मथुरा से चढ़ लिया और जो आ जा रही वहां में पहुंचा देंगे। इंजन आ रहा मुगल सराय से, डिब्बे में जिसमें बैठना उसमें पावर है नहीं, इंजन के ऊपर दो ही चार लोग बैठते हैं, डिब्बे में सैकड़ों लोग बैठते हैं, डिब्बे से ज्यादा यात्रियों को ढोता डिब्बा है और पावर बिल्कुल नहीं है, इंजन के सहारे चलता है। बस बात इसको समझो, गुरुजन महापुरुष जो यात्रा तय करके आ रहे हैं वो हम यात्रा तय नहीं कर सकते। अब हमें मथुरा स्टेशन में मिल गए, अब हम वहीं बैठ जाते हैं। गुरुजन जो संत महापुरुष है ये डिब्बा है और भगवान आचार्य ये इंजन है। डिब्बे में बहुत लोग होते हैं पर वो उसका कनेक्शन होता है इंजन से, इसलिए लक्ष्य तक पहुंचा देता है। हमको अब साधना पक्ष में नहीं जाना, अब साध्य पक्ष में रहना है। बिगड़ी जन्म अनेक किया वहीं सुधरे आज, हो ही राम को पहले भगवद आश्रय, फिर नाम जप, राधा राधा राधा, आखिरी श्वास जो होगी वो भगवत प्राप्ति ही होगी।